भिवंडी शहर के जाने माने दिल्ली दरबार ढाबे के तीन डिशेस लोगों में काफी ज्यादा मशहूर हो रहे हैं। गावटी हंडी, अरेबियन डिश मटन एंड चिकन राइस मंडी और मटन चाप तंदूरी, ये तीनों ही अपने लजीज जायके और यूनिकनेस की वजह से ढाबे पर आने वालों की पहली पसंद बन रहे हैं। अगर आप भी यहाँ आए तो इन डिशेस को जरूर ट्राई करें। उनतीस सितंबर को ईद मिलादुन्नबी मनाया जाएगा, जिसके लिए शहर भर में बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, लेकिन त्यौहार गुजर जाने के बाद कॉरपोरेशन इन सभी बैनर्स को निकाल कर फेंक देगी, जिससे बेहुर्मती होगी और इसलिए जिसने भी बैनर्स लगाए हैं वो खुद ही उसे निकाल कर बेहुर्मती से बचा ले। आज भिवंडी में भी गणेश विसर्जन किया गया, जिसके लिए भिवंडी पुलिस द्वारा रूट मार्च निकाला गया और विसर्जन घाटों पर बॉम्ब स्क्वाड ने सुरक्षा को लेकर चेकिंग की। सभी लोगों ने धूम से आज गणेश उत्सव मनाया। हर साल कल्याण और ठाकुरली के दरमियान विसर्जन घाट पर हजारों गणपति प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कोई सड़क मौजूद नहीं है, जिस वजह से गणेश भक्त रेलवे ट्रैक पार कर अपनी जान जोखिम में डालकर गणेश विसर्जन करते हैं। भिवंडी में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और खाड़ी पार स्थित जामा मस्जिद इलाके में बारिश की वजह से पानी भर चुका है, साथ ही गटर का गंदा पानी भी जमा हो गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मस्जिद तक पहुंचने के लिए नमाजियों को इस गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। भिवंडी के वार्ड नंबर 11 के रहवासियों ने इलाके में गंदगी की शिकायत कॉरपोरेशन में की थी और कई बार अपील की थी कि यहां पर गटर नालों की सफाई करवाई जाए, लेकिन हर बार उन्हें बस आश्वासन ही दिया गया और परेशान होकर स्थानिकों ने आखिरकार खुद ही गटर नालों की साफ सफाई की। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास शहरों में संडे तक येलो अलर्ट जारी किया है, साथ ही जानकारी दी गई है कि बिजली और तेज हवाओं के साथ अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना है। मुंबई में सभी दुकानदारों को मराठी जबान में साइन बोर्ड लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब तकरीबन 3 लाख दुकानदारों को अपना साइन बोर्ड चेंज कर मराठी जबान में करना होगा। कोर्ट के इस फैसले पर सहमति देते हुए मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा है कि अगर आप महाराष्ट्र में कारोबार कर रहे हैं तो यहां की जबान की इज्जत भी करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मुंबई नाशिक हाईवे पर हादसों की संख्या बढ़ गई थी और ज्यादातर सड़क हादसे खराब रास्तों के कारण हो रहे थे, जिसके बाद आज यहां पर रोड की मरम्मत का काम शुरू करवाया गया है और उम्मीद की जा रही है कि अब यहां हादसों की तादाद कम हो जाएगी। भिवंडी शहर का नया डेवलपमेंट प्लान तैयार कर दिया गया है और अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसे जारी भी किया जाएगा। इस प्लान पर आम शहरियों के राय और मशवरे के लिए एक मुद्दत भी रखी जाएगी। ये डेवलपमेंट प्लान अगले 20 सालों के लिए बनाया गया है, जिसके मुताबिक ही शहर में विकास के काम किए जाएंगे। भिवंडी से सटे नाशिक थाने हाईवे पर भारी जाम में एक मोटरसाइकिल सवार दंपति फंसे हुए थे। इसी जाम का फायदा उठाकर एक पैदल आता हुआ शख्स महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर झाड़ियों के रास्ते फरार हो गया। पुलिस स्टेशन में 75,000 रुपए कीमत के मंगलसूत्र की चोरी की FIR दर्ज करवाई गई है। आज की हमारी ये टॉप न्यूज आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं, साथ ही अपनी राय भी दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।